मजदूर आदमी अपने आप कर मोदी जी पूरा खैर अरे हमारा तो घर देख ले घर देख ले कैसा है अपने डाल के रह लेंगे हम आप किसी को वोट ना दे रहे मतलब बड़ा क्या चाहती हो तुम क्या चाहते चाहते यही कि हमने घर से बेघर कर दिए अरे मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ किसने घर से बेघर कर दिया मोदी ना और कौन ने कौन मोदी कौन सी सरकार है कोई काम धंधा है नहीं कुछ भी है नहीं जी बच्चे पढ़ ना रहे बच्चे डोले हमारे पागल गरीब पढ़ा में कहा ले लेंगे हैं गरीब का कहा पैसा सब पढ़ा ले सरकार भी ये भी गई अपनी आएगी सरकार कहते हैं सरकार पता नहीं क्या कर देती है गड़बड़ी बताओ हमें क्या मालूम क्यों तो नहीं आते तेज बात बोलने की कोशिश कर रही हैं अब ये बताओ अब वोट हमारे आएंगे तो हम डालेंगे ऐसी कोई बात ना तो आपका वोट भी बीच में मिस हो गया हाँ और आप करी अरे करते हैं कोई ना सुनाई दे थोड़ी बहुत एक आध दिन की करते हैं कोई ना करे फिर भी अगर आपकी दोस्तों साथियों नमस्कार चुनावी चकल्लस के मद्देनजर आज हम आ पहुंचे हैं नगला मेहताब में पूरे तरीके से दलित शोषित वंचित पीड़ित वाला एरिया है और यहां पर हमारी माताएं खड़ी हुई हैं जो कि अपने ज़रूरी काम को छोड़ छोड़ कर हमारे बीच हमारी बात को सुनने के लिए अपने जवाब देने के लिए आए हैं यहाँ पर मैं बात करने की कोशिश करता हूँ जी मैडम क्या नाम है आपका सरिता देवी सरिता जी आप क्या करती हैं कुछ नहीं है काम धंधा तो ऐसे ही है कर लेते हैं जो मिल जाए सो नहीं क्या करती है मतलब अभी नहीं है या पहले भी नहीं नहीं स्प्रिंग लगाता है बेड़न को स्प्रिंग लगाती हो काय की ताले की नहीं नहीं ये तवंचा बनते हैं तवंचे प्लास्टिक के या असली वाले नहीं असली नहीं असली बोलेंगे तो वही दिक्कत हो जाएगी पुलिस का मामला है बताइए ना कि प्लास्टिक के तवंचे प्लास्टिक के तवंचे तो बराबर दीपावली पे बनते होंगे वो ज्यादा हाँ तो अभी कैसा काम है इस बार वही करते हैं जेई स्प्रिंग का ही करते तो अब क्या कर रही हैं जेई काम कर रहे हैं जेई काम कर रही हैं हाँ जी क्या हाल है हम पैकिंग करते हैं पैकिंग करती हैं क्या रुपए मिलते हैं 800 रुपए मिलते हैं कितने दिन के एक दिन के एक हफ्ता के एक हफ्ते के 800 आप घूंघट खोल लीजिए कोई बात नहीं सब बच्चे खड़े हैं आपके सामने तो अभी जो इस बार वोट डालने का टाइम आ रहा है जैसा कि आपको पता होगा वोट डालने जाएंगे आप हाँ जाएंगे तो इस बार किसको वोट डालकर जिता रही हैं जो सुविधा करेगा उसको वोट डालेंगे सुविधा करेगा ऐसा कौन नाम है जो सुविधा करेगा जो सुविधा देगा उसको वोट देंगे चलिए अभी चूंकि शुरुआत है अभी कहाँ भी बात करेंगे तो हमारे साथ में एक वृद्ध माता भी बैठी हुई हैं अम्मा क्या नाम है आपका मेरा माया देवी नाम है माया देवी तो कहाँ कहाँ माया का जाल फैला चुकी हैं पूरे से पूरे गांव में पूरे गांव में भारत में सब लोग आपको प्रेम मानते हैं हाँ सब प्रेम मानते हैं तो आपका अब देखिए वोट का टाइम चल रहा है इलेक्शन आ गया हाँ तो अम्मा वोट वोट डालने जाओगी जा टांग तो टूट गई है नहीं टांग तो टूट गई है पर वोट तो डालने जाना वोट जाएंगे क्योंकि भारत का स्वाद है बहाना में कोई ले जाएगा लेवा के गांव में चले जाएंगे टांग टूट गई है 2 महीना थे सड़क पर जाए पड़े सड़क बनी ना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गाड़ी भेजूं वोट डालबेगू और तुम डारे आओ ने गोली दे के मुझे ना तुम्हें को वोट नहीं मैं अपनी ट्री भेजूंगा जी अम्मा डारो वोट और पता चले अपनी पड़ोसी को डारे आओ काहे को फिर काहे को जो ट्री भेजेगा उसी को डालोगे हाँ किसी को डालेंगे उसी को डालेंगे अच्छा अभी मामला जो है क्या नाम है आपका कस्तूरी देवी जी मैं पिछले दिनों आया था ये रोड कीचड़ में थी तब हाँ, हाँ, अब इलेक्शन आ गया है घूंघट खोलिया कैमरे के सामने आपका चेहरा अच्छा 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 तो फिर उसके बाद में अब रोड बनना है तो कैसा महसूस कर रहे हैं खूब बढ़िया तो नेताओं को इस बार वोट दोगी ना उन्हें हाँ देंगे किसको वोट दे रहे जो सड़क बनाएंगे उनको देंगे तो सड़क कौन बना रहा है आप ही बना रहे हो जो हाँ कोई बात ना है जो आप कमल के फूल पे देंगे मिलकर इन्होंने बताया देखिए महिला कितनी जागरूक है अपने वोट की बात को खोलने को अभी तैयार नहीं है जी माता जी क्या नाम है आपका पुष्पा पुष्पा देवी जी आप इलेक्शन आ रहा है 4 दिन रह गए चुनाव में इस बार किसको वोट डालने का मन बना रहे हैं वोट तो देंगे जो वोट ना देंगे तो कहाँ जाएंगे सरकार को वोट तो देना है बिल्कुल तो किसकी सरकार बना रही है देखो सरकार तो मोदी की हुए और मुलायम सिंह की है और वोट तो देना है वोट तो फेल करना ना वोट तो जरूर देंगे नहीं मोदी और मुलायम दो नाम आ गए इसका हाँ। मतलब मन में कुछ चल रहा है आपके नहीं नहीं मोतिया देंगे कौन मोती मायावती है हाँ ना खाओ देखिए मतदाता किस तरीके से भटक रहा है मोदी जी मुलायम सिंह जी और दबे शब्दों में बहन जी को भी बोल दिया चलिए आपका मत है आपका अधिकार है आप साइलेंट रहिए और लेकिन मत का प्रयोग करिए हमारे बीच में काफ़ी कमज़ोर एक मैडम खड़ी हुई हैं
हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अम्मा क्या नाम है आपका? गुड्डी देवी। गुड्डी देवी जी, सड़क बनने की आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा, आफत कूटी है दुनिया भर की, चार जाम लगाया हम सड़क पे, फिर जाके आया सी डी एम के एस ओ के झोरे गए, जब जाके कहीं सड़क पे जब बोटिंग में लग गए हुए, मेरा पूरा मकान चढ़का खड़ा है, मेरा पूरा पानी भर रहा है, अभी मेरी सड़क तो लंबर है ही नहीं है, तो बताओ किसके जहन में, जो सुविधा करेगा उसके वोट देंगे, जो सुविधा करेगा उसके वोट देंगे। सुविधा मोदी जी कर तो रहे, योगी जी कर रहे, पूरा खाने पीने की देखिए बेहतरीन रोड बना दी, क्या बात करती है, नाम नहीं है इसमें, किसका नाम है फिर? देखो चुनाव से पहले रोड बनाइए, आपको पूरा ये पुरस्कार नहीं है इसमें। हाँ, अब आके बनिए, 3-4 साल हो गई पानी में रहते रहते रहते। आपका क्या क्या इशारा है, मतलब गोली दे रहे हैं आपको लोग? हाँ, गोली क्या दे रहे हैं, गोली चुनाव से पहले रोड बना दी और क्या, तो क्या है ये, क्या है, कुछ नहीं है, हमें तो जो मर्जी हुई उसमें वोट डालेंगे और क्या तुम्हारी देंगे। अरे मैं तो इलेक्शन में नहीं खड़ा हुआ अम्मा, मुझे कैसे, तो मुझे नाम की पता नहीं है, मैं पांडी का नाम नहीं जानती हूँ। अच्छा, कैसा निशान वगैरह, लाल गुलाबी या हाथी निशान, नीला या साइकिल, किसको? तो लीलो लीलो लाल कैसे डाल दो, कैसे पे डाल दो, लाल पे डाल दो चाहे नीले पे डाल दो, लाल या नीला, आप साथियों समझ रहे हैं, अम्मा एक बार स्पष्ट कर दे तो बड़ा अच्छा नहीं, नहीं। देखिए मतदाताएं, जो मतदाता महिला है वो पूरे तरीके से बड़ी चालाकी से अपने मत का प्रयोग करेंगी, और मुझे तो लगता है, अच्छा घर में तो सलाह करोगी ना वोट कौन देना है? तो घर में है ही नहीं, दो सदस्य बस, एक मियां एक बीवी। तो मियां बीवी सही तो पूछना चाह रहा हूं, तो जो अब दो सलाह होगी, हमारी दिमाग की पता है किससे सलाह करेंगे हम? अरे मतदाता अभी तरीके से पूरे तरीके से छुपा हुआ है, छुपे हुए अंदाज, हमारे दिमाग की मालूम ना है, हमारा तो घर फटो ठाड़ो सबरो, और गिर पर कोई पता नहीं, 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं आपको, 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं मकान बनाने को, पैसे वारन के बहुत रहे आए सबने के बन गए, गरीब रह रहा है, गरीब मर रहा है, गरीब मर रहा है, हमारा गरीब मर रहा है, गरीब हमको कछु ना है, आपकी बातों से मुझे, आपकी बातों से गरीब को कछु ना है, गुस्सा दिख रहा है गरीब, चलो दिखाऊं तुम्हें कैसा मकान ठाड़ो, मेरा फटा हुआ ठाड़ो, कैसा ठाड़ो है? अरे मोदी जी 2.5 लाख रुपए बात है, 2.5 लाख कैसे बिना के बन गए, जो पैसा वा रहे हैं गरीब है, गुना को कछु ना है, 5 दिया है, कागज कहाँ के करे, मेहनत कर रहा है, बेनदारी करता है हमारा आदमी, सबके साथ सबके विकास की बात होगी सरकार में, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, कोई कछु ना कर रहा है, कछु ना है गरीबन को, गरीबों को तो बस खान हो पेट भले बस जे ये और कछु ना है। अरे मोदी जी इतना राशन दे रहे, योगी जी ये राशन दे रहे, बीजेपी के गुना को दे रहे, जो गुना को पैसा आ रहे, गुना को मकान बनने सब काम है रे, गरीबों को कहां है कछु ना है, वहाँ से दिया है हमारी सबरा फटा डाड़ा हमारा गिरवा सिलेंडर था, ये गैस सिलेंडर दे रहे मोदी, क्या दे रहे हैं हमारी खून पसीने कमाई लेके ले रहे मोदी जी, क्या दे रहे मोदी जी, मोदी क्या देंगे हमारी खून पसीने कमाई है मोदी पे, सड़क बन रही है, क्या मोदी बना रहे हैं, क्या योगी बना रहे हैं, कहूंगे कर रहे हैं तो तोड़ के बनाए हमारे लिए बने हुए, बताओ तो हमारा आया नहीं, बाजे का 2-3 इनके आए, बताओ हमारे घर में एक नहीं बना अभी तक, अरे क्या बात कर रही है, देख कितनी लाख शौचालय सरकार ने बनवाया, सरकार ने सोचा शौचालय बनवाए थे, अरे कछु ना है हमारा, कछु ना आयो, शौचालय नहीं बनवाया है हमारा, शौचालय नहीं बनवाया है, नहीं मकान बनवाया है हमारा, रोए मैंने पैसा डाल रहा, हमारा कछु ना आयो, 10 लाख रुपए आएंगे, 10 लाख ना 50 लाख आ रहे हैं, मकान ना बना फार्म भरे को सब ना के बन गए, हमारा ना बनो गड्ढा में भरे हैं, काला धन वापस आ रहा है, हाँ वापस आ रहा है, 10-10 लाख रुपए मिल रहे लोगों को, 10-10 लाख हमें मिल गए, हमें कछु ना मिलो, हमें तो अभी कछु ना है, देखिए हर स्वर स्वर बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या लाख मिलेगा फिर, 10 लाख रुपए 50 लाख मिले, जब 2 लाख ना मिल रहा गरीबों को, तो 2 रुपए 2 रुपए था 11 रुपए ही नोट कहीं बची हुई थी, अरे सस्ती 50% हमारी गाड़ी 1000 का सिलेंडर कहीं हुआ था, 1000 का कहीं सिलेंडर हुआ था, इतनी गुस्सा में तो सरकार क्या दे रही है हमारे लिए, अरे आपको पूरी सुविधा दे रही है, सड़क बना दी, हमारा ही काट रही है, हमारा ही काट रही है, और हमारा ही दे रही है हमारे लिए, मकान देंगे 8 लाख लोगों को मकान दिए जाएंगे, अरे जी हाँ दे दिए, भाई बच जाता फार्म मत दो, हमारे मकान को पैसा ना आयो, रुकेगा चाचा डब्बा बच जाए, देखिया तो देखिया इधर तो पाई बच जाता, कितने गड्ढा पर देखा, अरे भाई चाचा डब्बा फार्म मत दे, कछु ना है, और गड्ढा में पड़ी है बिल्कुल फटा ठाड़ो है, इस बार जता दीजिए 8 लाख मकान देंगे, अरे 8 लाख ना, 1 लाख ना मिले हमें तो, 1 लाख मकान बने जाए, मकान जो हमारे फार्म भर रहे हैं वो मकान बनने चाहिए हमारो,
देखिए देश की आधी आबादी, मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूंगा, मेरे दोस्त से, कि देख सकते हैं माता हमारी काम करने में मदमस्त लगी हुई है, पूरे तरीके से माता जी काम में लगी हुई है। हम बात करने की कोशिश करते हैं। अरे अम्मा मेरी बात सुनोगी? अम्मा कल करूँगा, मेरे माँ घूम के देखो, मेरा सोचना भैया गाँव की। अरे अम्मा सुननी पड़ेगी आप, अम्मा मेरे माँ कहूँ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भीमा है। भीमा देवी जी, ये घर आपका है या मजदूरी कर रही हो? मजदूरी ना करे, अपनो ही है, अपनो घर बना रहे हैं, गड्ढा में पड़े हैं, कर रहे हैं। लगाती आप एक, अरे पैसा कहाँ से आवा, तुम्हें तो पैसा दिख रहा है, क्या उम्मीद है? मजदूर आदमी अपने आप कर, मोदी जी पूरा खैर, अरे कदाई गांड कर, महिलाओं की मोदी जी की सरकार, अरे बूढ़े आदमी बेलदारी कर रहा है भाई मजदूरी के मारे, नहीं नहीं पूरी महिला का सुरक्षा दे रहे हैं। हां कछु ना दे रहा, अरे मेरे माँ इतना नाराज क्यों हो आप? जो किससे नाराज हो? ऐसा भैया को काम कर रहा हूँ मैं, सरकार भी ये भी गई, अपनी आएगी सरकार का कहते हैं बी एस पी कितना हमारे वाला मजदूरी कर रहा है मालूम है? पाँच साल जो कोई कागज कल्याण नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, कोई काम नहीं है, सब बेरोजगारी, रोजगारी खत्म। अच्छा तुम कैसे पढ़ते हो? पढ़ते हैं फुटपाथ पे काम करते हम, बेरोजगारी हमारी तुम्हें पता जी, बच्चे पढ़ना रहे, बच्चे डोले हमारे पागल नहीं देंगे, गरीब पढ़ा में का ले लेंगे, हैं गरीब का का पैसा सब पढ़ा ले, रुके। और पूरे तरीके से एक माता जी भी और खड़ी हुई है, क्या नाम है अम्मा तुम्हारा? असर भी नाम है। डराने का काम पे आ रहे हैं? कौन से काम पे आ रहे हैं? मेरे सामने दो बार ऐसे ऐसे घूम के लकड़ी काटने आ रहे हैं। मैं काफी डरता हूँ आपसे, क्यों डरा रहे हो मुझे? लकड़ी काटने आ रहे हैं। अच्छा किस बार, इस बार वोट किसको डाले? इस बार मायावती को जाएगा वोट। क्या मजदूर आदमी है हम, क्या है मेहनत कर, मजदूर आप भी हो, मजदूर मैं भी हूँ, और मजदूर मेरा इस कैमरे के जो पीछे खड़ा हुआ साथी है वो भी मजदूर है। लेकिन एक बात बताइए, 8 तारीख अभी चंद दिन रह गए, 8 दिन रह रहे हैं वोट डालने में, क्या वोट डालने जा रही है? वोट आएगा तो डालेंगे। क्या मतलब है वोट आएगा? मतलब वोट जब हमारा आएगा तो हम डालेंगे। देखियो नई बात सामने निकल के आ रही है, पहले बार हमारे वोट नहीं आए थे तो हमने नहीं डाले। क्यों नहीं आए थे वोट? सरकार पता नहीं क्या कर देती है गड़बड़ी, बताओ हमें क्या मालूम क्यों नहीं आते। तेज बात बोलने की कोशिश कर रही है। अब ये बताओ, अब वोट हमारे आएंगे तो हम डालेंगे, ऐसी कोई बात ना। तो आपका वोट भी बीच में मिस हो गया? हाँ, और आप करी, अरे करते हैं कोई ना सुनाई देवे, थोड़ी बहुत एक आध दिन की करते हैं, कोई ना करे, फिर भी अगर आप बच्चों के लिए सुविधा कर रहे हैं। देखो सरकारी में बच्चे जाते हैं, कोई पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नहीं है, और गरीब आदमी पे प्राइवेट के लिए गुंजाइश नहीं है, सब बात है। देखो बहुत बढ़िया है, जी 600-600 रुपए फीस के लेते हैं एक एक बच्चे के, कहाँ से गरीब आदमी पढ़ा लेगा? अभी देखो सरकारी में जाए, मास्टर बच्चा पूछ रहा है, सर जी ये काम कैसे होगा, पैर पे पैर रखे बैठे, कोई गौर ही नहीं। तो इस बार आप मतलब मोदी जी से स्कूल विस्कूल तो सब खुल ही रहे हैं अच्छे तरीके? हाँ, बच्चे हाँ, स्कूल जा रहे हैं आपके? हाँ बच्चे बैठे हैं, बच्चे तो लॉकडाउन से क्या पढ़ाई है बच्चे घर तो फिर आप कह रही थी ना बच्चे नहीं पढ़ रहे स्कूल में, कहीं नहीं पढ़ रहे, सरकारी में पढ़ते बच्चे हमारे, कोई पढ़ाई सही नहीं है। गरीब हुए हम, जब हमारे बालक नंगे डोल ले, कपड़ा पैरा भी काम धंधे है ना, ये कह रही है बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, आप कह रही बच्चे नहीं जा रहे? नहीं अभी तो कह रही थी, जब जाते बच्चे जब पढ़ाई नहीं है तो बच्चे अरे इधर आओ लाल, ओमपति बच्चा पढ़ ली, ओमपति जी आपके क्या बच्चे? वो पे 2 बच्चे, बच्चे 2 है और स्कूल जा रहे हैं बच्चे? मेरे बच्चे बड़े बड़े, और ऐसा मेरा मैंने घर यहाँ पे है मेरा, इतना पानी भर जाता है घर में, समझ लो इतनी परेशानी है। 2 एगा में 2-3 एगा फार्म भर दिए, 2-3 फार्म भर दिए, और समझ लो बिल्कुल मेरा नंबर नहीं आ रहा, इतनी परेशानी। अभी 8 अभी तो नंबर तो बाद में आएगा, पहले ये बताओ वोट डालने कहाँ जाओगे अभी 8-10 तारीख? जो तुम आएगा बताओगे वही डालेंगे हम, तब हम कैसे बता देंगे, आप हमारी बात क्यों मानेंगे? मोदी पे डरवाएंगे, जो मोदी हमारी वो सुविधा करेंगे वे नहीं पे डरवाएंगे। चलिए साहब बहुत बहुत धन्यवाद, हमें नगला मेहताब में, अलीगढ़ के नगला मेहताब खैर रोड पर है, यहाँ पर जो भी दलित शोषित बस्ती है और घरों में घुसने की बात बोल रही हैं कि हमारे घर कैसे हो रहे हैं, कुछ से किसकी बात कर? नहीं नहीं आप तो मोदी जी, आप मोदी जी को वोट देंगी तो पूरा मकान भी पक्का होगा, बच्चे भी पढ़ के अफसर बन जाएंगे और उन्हें रोजगार व्यवस्था भी मिलेगी जी। आप नहीं नहीं आपने बता दिया कि मोदी जी पूरा ख्याल रखेंगे, क्या कह रही